भाई यहाँ से हुंदर है 64 किलोमीटर। तो दोस्तों हमारी बाइक ने 1500 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं भाई इस ट्रिप पे। भाई भयंकर ऑफ रोड है, भयंकर। और भाई कोई टेंशन नहीं है, मजा आ रहा है भाई। भाई हम लोग खाटुंगला पे खड़े हैं, जो लोग कह रहे ना ऑक्सीजन नहीं है, भाई देख लो तो दोस्तों फाइनली द माइटी खारदुंगला पे हम लोग पहुंच गए हैं, विच इज़ एट एन हाइट ऑफ 17,982 फीट। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं खारदुंगला पास। आपको पीछे दिख रहा होगा भाई, दिख रहा होगा भाई, अचीवमेंट अनलॉक हो गई फाइनली। खारदुंगला पास को हमने कॉन्कर कर लिया है, जो कि है 17,982 फीट। अगर आप ध्यान से देखो ना, पता नहीं मुझे कि नजर आ रहा है या नहीं आ रहा भाई, हल्का हल्का ना स्नोफॉल भी हो रहा है बाइक के आगे, हल्का हल्का दिख रहा होगा। और देखो बढ़ता जा रहा है। और भाई यहाँ देखो भीड़ हो रखी है अच्छी खासी भाई। तो दोस्तों फाइनली हम लोग ने खारदुंगला पास को अचीव कर लिया भाई, कॉन्कर कर लिया, खा गए हम, खा गए खारदुंगला को भाई। भाई जो लोग बोलते ना ऑक्सीजन नहीं है, देखो ये भाई जो आने हो गया, पहुंच गए भाई खारदुंगला पहुंच गए। भाई हम लोग खारदुंगला पे खड़े हैं, और जो लोग कह रहे ना ऑक्सीजन नहीं है, भाई देख लो सारी ऑक्सीजन है यही। कौन कह रहा है ऑक्सीजन नहीं है, मुझे भी लाया जा रहा है। मजे आ गए भाई, मजे आ गए। सही है भाई, सही है, मजा आ रहा है ना भाई। कोई डायमंड नहीं चाहिए, कोई कपूर नहीं चाहिए, चिकरा चाहिए, चिकरा चिंता। A few inches later. तो दोस्तों फाइनली हम खारदुंगला पास से निकल रहे हैं, और भाई मजा आ गया यार, लिटरली मजा आ गया, दिल खुश हो गया यार मेरा तो। मुझे आइडिया नहीं था भाई इतनी खुशी होगी। भाई सियाचिन का बेस कैंप यहाँ से 164 किलोमीटर दूर है, और भाई देखो यहाँ से हुंदर और तुर्तुक इसी साइड है, तो हम यहीं से ही जाएंगे। और एक बार अगर आपको पीछे का व्यू दिखा दूँ ना भाई, ताकि आप लोग देख पाओ, तो ये देखो भाई बर्फ़ जमी हुई है भाई पूरी की पूरी इस पहाड़ पे, और ये ही खारदुंगला टॉप है भाई। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, और मज़ा आ गया भाई। भाई मैं तो हाथ नहीं लगाने वाला बर्फ को, विनय भाई ने लगा लिया वही काफी है भाई, ठंड बहुत ज्यादा है, और ना हाथ मेरे जाम हो रहे हैं भाई लिटरली। ओ भाई, और एक बार सामने का व्यू देखो दोस्तों, लुक एट दिस व्यू मैन।
भाई टफ टेरेन है भाई, टफ टेरेन है। तो भाई अब यहाँ कुछ खा लेते हैं, थोड़ा रुके हैं, रेस्ट भी हो जाएगा भाई इसी बहाने। तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमने थोड़ी देर का यहाँ पे भाई स्टे लिया था, एक हॉल्ट मतलब कि थोड़ा कुछ खा पी लेंगे। तो फ्राइड राइस लिए थे और भाई आलू का पराठा, क्योंकि भाई यही चीज़ें यहाँ पे सबसे बेस्ट हैं, इनसे बढ़िया कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। तो हमने यही खाया और टेस्ट भी ठीक था भाई, और एक चाय ली थी। अभी हमें लगभग ना भाई 2 घंटे लग जाएंगे, और अगर टाइम देखा जाए तो 2:54 हो रहे हैं भाई, मतलब लगभग 5 बजे के आसपास हम हमारी आज की डेस्टिनेशन पे होंगे। तो दोस्तों करंटली जो हमारा एल्टीट्यूड है ना वो है 15,300 फुट, और लगभग खारदुंगला से ये 4,000 फुट नीचे है। और आप देखो वहाँ बर्फ़ पड़ रही थी और यहाँ धूप ही धूप है भाई। वी विल इधर फाइंड अ वे और मेक वन, बिल्कुल सही लिखा है भाई, बिल्कुल सही लिखा है। तो दोस्तों ये देखो 15,300 फुट की ऊंचाई पे ये देखो बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ के भालू और हमारे वहाँ के कुत्ते। अरे तेरा भाई आराम से बैठा है। और भाई यहाँ से हुंदर है 64 किलोमीटर्स, लगभग मेरे हिसाब से 1 से 1.5 घंटे में कवर हो जाएगा अगर इसी तरीके की रोड्स रही तो। देखो भाइयों एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर, और ये अभी जो इतना सूखा सूखा लग रहा है ना आपको, ये भाई नवंबर दिसंबर में ना सब बर्फ़ से ढक जाता है जितना भी है। देखो यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और सबसे बड़ी बात भाई क्रिस्टल क्लियर है ये भाई की आई बन गया। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं खारदुंग, और ये लगभग 14,500 फीट अबव सी लेवल है भाई। जोजिला पास से तो भाई 3,000 फुट की ऊंचाई पे है ये, बिकॉज जोजिला लगभग 11,500 पे है, और ये भाई देखो आप खारदुंग मतलब 14,500 फीट की ऊंचाई भाई, बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और ये लोग यहाँ पे भाई मस्त, देखो आंटी मस्त अपना चश्मा लगा के टोरे में घूम रही हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस टाइम हम कहाँ खड़े हैं, एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं पता हम कहाँ खड़े हैं। ये बार चारों तरफ दिखाता हूँ आपको, देखो ठीक है। और ये रही भाई हमारी बाइक, और वो खड़ी हमारे विनय भाई की बाइक, क्या लग रही है भाई। देख रहे हो भाई जबरदस्त व्यू आ रहे हैं दोस्तों। टाइम अभी हो रहा है 3:48, और भाई कोई टेंशन नहीं है, मजा आ रहा है भाई, फुल ऑन एंजॉयमेंट हो रही है देखो। और भाई जो रोड है ना यार वो सुपर स्मूथ है भाई, इधर भी और इधर भी। तो दोस्तों हमारी बाइक ने 1500 किलोमीटर्स पूरे कर लिए हैं भाई इस ट्रिप पे, और मेरे लिए तो भाई ये माइलस्टोन है, 1500 किलोमीटर की राइड मेरी हो चुकी है, और अभी लगभग 1500 किलोमीटर ही और बाकी है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना भाई शायद हमारी राइड और आगे निकल जाए, लगभग ये 4000 किलोमीटर तक ना पहुँच जाए, बट देखते हैं टाइम के साथ कि कैसा क्या रहता है। अभी के लिए ये है कि भाई 3000 तो कन्फर्म है कि ये तो होंगे ही होंगे। तो दोस्तों अभी हम पीछे रुके थे और बिना किसी रीज़न के रुके थे भाई, जस्ट फॉर फन, और इस व्यू को एंजॉय करने के लिए लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आप एक बार आओ डेफिनेटली भाई, एक बार तो लेह लद्दाख आओ, पूरा ट्रिप करो, पूरा लेह लद्दाख कवर करो, आपको पता चलेगा लेह लद्दाख इज सो ब्यूटीफुल, इट हैज एवरीथिंग। तो भाई आप लोग देख सकते हो अभी हम इतनी बटरी स्मूथ रोड पे भाई क्रूज कर रहे थे,
एंड विद इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स वही रोड पे भाई हम देखो कैसे खड़े हैं। काम तो चल रहा है भाई इस रोड पे, और आई होप अगले साल जब मैं आऊँगा तो डेफिनेटली भाई ये रोड भी बनी हुई होगी, ये पैच भी जो रोड का है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अरे क्या कर रहे हो मैंने भाई, आज भाई वन ऑफ द बेस्ट राइडिंग एक्सपीरियंस था जो कि मैंने भाई आज तक कभी भी एक्सपीरियंस किया हो। भाई भयंकर ऑफ रोड है, भयंकर देख रहे हो भाई, देख रहे हो विनोद। तो दोस्तों फाइनली वो एरिया जिसने कि हमें भाई बता दिया कि हाँ भाई ऑफ रोड क्या होता है ख़त्म हो चुका है, और हम अभी इस प्लेन रोड पे हैं। रोड तो ये प्लेन है, बस फ़र्क इतना सा है कि थोड़ी मिट्टी है भाई इस रोड पे, पर चलो उस रोड से तो बेटर है भाई। और वो रोड ही नहीं थी भाई, वो तो एक तरीके की मतलब कुछ और ही था भाई। वो भाई हुंडर यहाँ से ओनली 29 किलोमीटर है भाई, सिर्फ 29 किलोमीटर। और पीछे मैंने देखा था भाई उसमें पेंगोंग लिखा था, अब मैं सोच रहा हूँ यार पेंगोंग तो लेक है और वो भी यहाँ से काफ़ी दूर है, तो ये पेंगोंग इस तरफ एरो करके क्यों लिख रहे पता नहीं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे भाई कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं ऐसा लग रहा है, क्या बना रखा है भाई। तो भाई एक बार और रोड आगे ब्लॉक्ड है, पत्थर वत्थर ये जितना भी ऊपर से गिरा है भाई ये सब हटाया जा रहा है, जब रास्ता खुलेगा तभी हम जाएंगे। A few minutes later. लो भाई चल दिए। ओ भाई अच्छा है, खासा ऑफ रोड है भाई इधर तो, देखो भाई ऑफ रोड भर के है यार। और ये ना ऐसा है जो कि ना परेशान कर देगा, मतलब बंदे को हिलता ही रहेगा वो, गड़ 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 गड़। ये लो जी देखो। A few inches later. 12 seconds later. A few moments later. 15 minutes later. A few minutes later. इन्हीं रोड्स पे चलना है भाई, ये है लेह लद्दाख। Later. एडवेंचर का मतलब ही ये है, यू नेवर नो व्हाट्स इन योर वे। Much, much, much later. तो दोस्तों फाइनली वो इतना लंबा पैच जो कि ऑफ रोड का था क्या था भगवान जाने, वो अब जाके ख़त्म हुआ है। और भाई कसम से बाइक की ना प्रॉपर टेस्टिंग हो गई, चेकिंग हो गई इसकी ढंग से कि हाँ भाई कितना इसमें दम है और क्या कैसे चलेगी या नहीं चलेगी। भाई थकावट सी हो गई उस ऑफ रोडिंग के पैच से। तो अभी बस हम हुंदर पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे स्टे लेंगे भाई, और एक से दो दिन का स्टे तो लेंगे ही लेंगे। और बीच में जो ऑफ रोड का वो पैच आया था ना भाई, उसने हिला दिया कसम से भाई, कोई थकावट नहीं थी कुछ नहीं था, अब तो बस थकावट ही थकावट लग रही है। बस ये लग रहा है हेलमेट वेलमेट उतारूँ अपना और बेड मिल जाए एक अच्छा सा और सो जाऊँ भाई। तो दोस्तों आप ये देख रहे हो ये सैंड ड्यून्स जो बने हुए हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और एक्चुअली ये जो मिट्टी है ना दोस्तों, ये सारी वो मिट्टी है जो कि सी बेड पे होती है। और भाई देखो कैसा लगता है ना कि जो भाई मिट्टी सी में होती है वो ही मिट्टी भाई आपको लेह लद्दाख में मिल रही है। वेलकम टू हुंदर। तो भाई हुंदर में हम आ चुके हैं और अब अपना स्टे ले लें भाई फटाफट, जल्दी से मिल जाए। और रूम देखते आ गया ना, चलो
देख लो भाई, देख लो भाई रूम की साइड से। तो दोस्तों ये देखो, ये हमारा रूम है आज के लिए जो हम अंदर में स्टे कर रहे हैं। और भाई यहाँ पे ना रेट बिल्कुल सही मिल गया हमें, 1000 रुपये पर नाइट का। और अगर आपको वॉशरूम दिखाऊं तो ये देखो, भैया कह रहे हैं सुबह सुबह ना गर्म पानी आ जाएगा, बाकी 24 आवर्स आपको वैसे पानी जो है मिल जाएगा ठंडा। तो स्टे तो दोस्तों मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। तो दोस्तों रूम कुछ इस तरीके का था जैसा कि आपने अभी देखा। और ये भाई देखो, नेगेट 310 और वो फेयरिंग वाली 310। आज हम जा रहे हैं तुरतुक। तो भाई जो वो ऊपर वाले पहाड़ हैं वो सारे पीओके के हैं। ठंडा मौसम, अब बेटा मौज हो गई। भाई जो ये सबसे ऊपर वाली टॉप है ना, ये आपको दिख रही होगी भाई, ये पाकिस्तान है। तो भाई ये इंडिया का ना नॉर्दर्न मोस्ट विलेज है। तो दोस्तों देखो, पाक विलेज फारनू। भाई हमारे पीछे पीओके है, देख रहे हो जो नदी दिख रही है ना आपको, भाई उसके उस साइड पीओके और इस साइड हम इंडिया में खड़े हैं।